नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज का जो टॉपिक है वो है बंधन मुक्ति के उपाय। सबसे पहले तो जानते हैं बंधन क्या होता है। देखिए, बंधन तो कई प्रकार का हो सकता है। कोई आपको कर्जा दे दे, उसे कर्जा आप चुका ना पा रहे हो, ये भी एक प्रकार का बंधन हुआ। किसी चीज की सजा काट के आप जेल में बंद हुए, ये भी एक बंधन ही हुआ। और आपके माँ बाप आपको घर से बाहर निकलने ना दें, बहुत सारे रोका टोकी लगाएं, ये भी एक बंधन ही हो गया। लेकिन एक बंधन ऐसा भी होता है जो अदृश्य होता है, दिखता नहीं है, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो आप पे कर देते हैं, या आपसे जलने वाला कोई इंसान होता है आपके परिवार के ऊपर बंधन करवा देता है, या आपके देवी देवता पे बंधन करवा देता है, कुल देवी देवता पे बंधन करवा देता है। अब ये अदृश्य जो दिखने वाला बंधन होता है, इससे आपका घर परिवार संकटों से घिर जाता है, आपके घर में ग्रह कलेश हो जाता है, आपको व्यापार में नुकसान होने लगता है, आपकी जो चीजें होती हैं वो बनते बनते बिगड़ जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, और ऐसे बहुत सारे संकट हैं जो आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। आपके घर का मुखिया जो होता है वो बीमार रहने लग जाता है। एक ऐसी बीमारी आ जाती है जो आपको पता भी नहीं, एकदम से उठी और डॉक्टर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे हैं। आपके घर में एकाएक से खुशियों का माहौल जो होता है वो दुखों में तब्दील हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप पर किसी ने ऐसा बंधन कर दिया है। तो अब इस बंधन को आप आसानी से आप ही खोल सकते हैं, और बहुत आसानी से खोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे खोलें? तो सबसे पहले देखें कि आपके घर में कोई ऐसा पक्षी तो नहीं है जो पिंजरे में बंद है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का बंधन है। तो बंधन को खोलने के लिए आपको पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कोई भी ऐसा पक्षी जो आपके घर में, चाहे वो कबूतर हो, तोता हो, कोई भी एक ऐसा पक्षी, या बहुत सारी चिड़ियों को आपने बांध रखा है, तो उसे मुक्त कर दें, बेटर यही होगा, क्योंकि उनकी जो आपके ऊपर है वो बद्दुआ लगती है। उसके बाद आप क्या करें कि सबसे बड़ी बात जो आती है वो इस बंधन से बचने की तरीका ये होता है कि आप व्रत रखना चालू करें। सबसे पहले नारायण भगवान का, विष्णु भगवान का व्रत रखें, और सबसे बंधनों से मुक्ति का उपाय यही होता है कि बृहस्पति की उपासना की जाती है। तो इसलिए हो सके तो एकादशी में भगवान विष्णु जो होते हैं उनका उपाय करें। गुरुवार को तिलक लगाएं, केसर का, जिनके पास केसर नहीं वो लोग हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, और हो सके तो रोज चुटकी भर हल्दी डाल के पानी से नहाएं। अपने दिनचर्या में हनुमान चालीसा को हमेशा यूज करें, और मैं तो बोलता हूं कि चाहे आपके ऊपर बंधन ना हो तब भी आपको हनुमान चालीसा एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और जो लोग एक बार पढ़ते हैं वो लोग थोड़ा सा इस क्रम को और बढ़ाएं, मंगलवार और शनिवार के दिन इसे 7-7 बार पढ़ें, तो आप देखेंगे इसके चमत्कारिक फायदे आपको मिलेंगे। और अगर कुछ भी ना हो सके तो महीने में एक बार भगवान बजरंग बली को चोला तो जरूर चढ़ाएं। तो भगवान बजरंग बली का ये उपाय बंधन मुक्ति का सबसे सरल उपाय है, और फिर आप देखेंगे कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। कई लोग ऐसा होते हैं, अपने भगवानों को पूज रहे होते हैं, उनके घर में ही पितरों का दोष होता है, तो आप भगवान को दोष देते हैं और घर में होता है पितृ दोष। तो पितरों को सही करें, पितरों को मनाएं। बिना पितर के आपका कोई भी ना कोई देवी देवता मानेगी, ना आपके इष्ट देवी देवता मानेंगे, ना आपको किसी प्रकार की साधना और पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि जो पूर्वज होते हैं आपके, ये जो आपके पितर हैं, यही आपके बीच में माध्यम है उस भक्ति का, उस साधना का। तो इनको खुश करिए और अपने कुल देवी देवता को मनाएंगे, और आप देखेंगे आपके जो बंधन है वो हट जाएंगे। तो कुल देवी देवता को मनाने के लिए कुल देवी देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें, और उसको अपने ऊपर से 21 बार क्लॉक वाइज घुमाकर 2 भागों में काट कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दें, और उसके बाद क्षमा मांग दें, और हो सके जितना आपकी शक्ति है उतना दान दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जो नमक होता है, नमक अपने हाथ में लें और अपने सर से 7 बार वार करके फ्लश कर दें उसे टॉयलेट में, और ऐसा कम से कम 3 बार करें, पूरे दिन भर में 3 बार करें, और 7 दिन तक करना है। और 3 बार यानी आपको तीनों पहर में, यानी सुबह, दोपहर और शाम, मंगलवार या गुरुवार को आप फलों का दान करें। अगर फल नहीं दे सकते हैं तो कम से कम केला तो जरूर दें भिखारी को। ठीक है, अगर किसी इंसान को लगता है कि उनके ऊपर काला जादू किया गया है, तो जो आंकड़े का पौधा होता है उसको आप अपने घर में लाइए, मंदिर के स्थान पर रख दीजिए। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जैसे काली हल्दी, शंख,
श्रीफल होता है, एकाची नारियल होता है, कौड़ी होती है, इन सबसे भी बहुत सारे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पैसों पे बंधन कर दिया गया है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। धूप बत्ती जो होती है उसको शुक्रवार को लाइए और काली माता की उस धूप बत्ती से पूजा करिए। आप देखेंगे कि जो आपका रुका हुआ पैसा है वो आने लग जाएगा। और अगर दूसरा उपाय करना चाहे तो दूसरा भी उपाय कर सकते हैं, जो काली हल्दी होती है उसकी तीन तीन गांठ या दो दो गोमती चक्र जो होते हैं वो भी माता रानी को चढ़ाएं तो आपके जो बंधन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोगों को चाहिए कि वो जो आपके ग्रह होते हैं उनका या तो देखिए कवच करें, ग्रहों का नवग्रह कवच होता है, कवच का पाठ करें या उनकी शांति की स्तुति करें, क्योंकि बंधन जो सबसे पहले होता है वो ग्रहों पे होता है। तो ग्रह अगर आपके स्ट्रांग है कुंडली में तो आपके चक्र भी स्ट्रांग होते। देखिए जब भी आपके ग्रह अनबैलेंस होते हैं तो आपके शरीर में जो ग्रहों का एक एक चक्र है वो भी अनबैलेंस हो जाता, और जैसे ही आप दिमाग से कमजोर हुए तो बंधन आपको जकड़ लेता है, या किसी भी प्रकार का जादू टोना हो या तंत्र मंत्र हो वो भी आपको बहुत आसानी से बहुत शीघ्र पकड़ लेता। तो कुंडली में अपने ग्रहों को हमेशा सकारात्मक रखें। एक चीज आप पकड़ लीजिए, जैसे नवग्रह क्रीड़ा स्त्रोत पका सकते हैं, नवग्रह चालीसा पका सकते हैं, ठीक है, नवग्रहों की स्तुति पकड़ सकते हैं, नवग्रहों की चौपाई पकड़ सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, कम से कम उसके 11 बार पाठ जरूर करें। और ये पाठ बहुत छोटे होते हैं तो इतना लंबा नहीं है कि आप मंत्रों के द्वारा, आप जैसे एक ग्रहों का मंत्र पढ़ते हैं तो 108 बार पढ़ने में कम से कम 10 से 15 मिनट जाता, तो 9 ग्रहों की स्थिति बहुत लंबी हो जाती है। तो सबसे बड़ा तरीका होता है कि 11 बार इनका पाठ करें, मुश्किल से 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे आपको जीवन में ग्रहों की सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, उनका आशीष मिलेगा आपको, और फिर आपके ग्रह बंधन चाहे कैसे भी हो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, मेरे भाइयों और बहनों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए। आपका एक एक लाइक बहुत ज़्यादा कीमती होता है, उस लाइक से ये भी दिखता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपका प्यार भी दिखता है। तो इसी के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए जय मां मंगलामुखी, हर हर महादेव, नमो नारायण।